झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। आज इस फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन है, 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल और साथ ही इसमें सेलिब्रिटी मैच। जी हाँ, आज सेलिब्रिटी मैच हुआ है जिसमें झारखंड 11 टीम के कैप्टन हमारे मंत्री साहब भी हैं, अमर कुमार बावरी जी। तो सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच चला, आप 11 झारखंड 11 के कैप्टन रहे और ये मैच भी जीतकर कैसा लगा? अभी चल रहा है मैच, हम लोगों ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का हम लोगों ने निर्णय लिया, अभी बैटिंग चल रही है। ये एक्सपोजर है झारखंड को बड़े पैमाने पर सेलुलाइट पे, और हम लोग चाहते हैं कि इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से एक बड़ा कैनवास जो तैयार करने का काम सरकार ने किया है फिल्म पॉलिसी के माध्यम से, तो उसको और एक उड़ान मिले और इस तरह के आयोजन होने से लोगों का आकर्षण आता है और झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो और यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक के दृष्टिकोण से इसके हम लाभ उठा सके, इस दृष्टिकोण से यह काम किया गया। तो आज उसी के तहत सेलिब्रिटी मैच चल रहा है। तो ये झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और ये दूसरी बार झारखंड में हो रहा है, तो अगर अपने यहाँ के लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके प्रमोशन के लिए और क्या कुछ होने चाहिए? देखिए, जब क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारे कलाकारों को जब मौका मिलेगा, यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ के, जाहिर सी बात है, यहाँ के लोकल कलाकारों को भी मौका मिलता है, तो जब मौका बढ़ेगा तो फिर उनको भी मौका मिलेगा। और अभी भी लोकल काफ़ी सारे मूवीज़ का शूटिंग चल रहा है और इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का काम चल रहा है, तो मुझे लगता है जो सबको लाभ मिलने वाला और एक नए इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है, नए इंडस्ट्री का एक ग्रोन अप हो रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगे लेकिन अच्छा होगा। बिल्कुल, बेहद खुशी का मौका है और राज्य में कहीं ना कहीं जो युवा है, जो युवा एक्टर्स है, जो लोकल एक्ट्रेस है, उन्हें बेहद खुशी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा भी उनमें देखने को मिल रही है कि जो उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था फिल्म नीति बनने के बाद राज्य में, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है जो मिला है सब लोगों को, जितना हो सकता है उतना किया गया है और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, धीरे धीरे मौका बनेगा सबके लिए। ब्रेक मिला है लेकिन हम ब्रेक नहीं लेंगे और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे शख्सियत से जो आज यहाँ पर इस ग्राउंड में ट्रेडिशनल झारखंड की जो ट्रेडिशनल फूड है ना,
उसके स्टॉल लगाए हैं जो लोगों को बहुत भा रहे हैं, जो बाहर से भी आए हैं लोग, जो सेलिब्रिटीज आए हैं उन्हें यही सर्व किया जा रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है जब अपने राज्य के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा मिलता है। तो आइए इनसे जरा पूछ लेते हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजू बिलुंग है। हम 5 साल से ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट कर रहे हैं और हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ में जीफा को, कि उन्होंने जितने भी सेलिब्रिटी है उनके लिए एक स्टॉल बनाया है और यहाँ पे हमने धुसका, जो यहाँ का सबसे फेमस फूड है, छिलका रोटी है, मड़वा का वैरायटी हम लोग उनको खिला रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये हम चाहते हैं इसको और अच्छा प्रमोट। चलिए, तो प्रमोट होना चाहिए और इसके लिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये झारखंड के जो ट्रेडिशनल फूड है